सात सबसे कॉमन गलतियां जो हम इंडियन मैन करते हैं जब भी हम सूट पहनते हैं, जानेंगे हम उसके बारे में इस वीडियो में। हे गाइज, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो, मेरा नाम है तरुण। मैं इस चैनल पे बात करता हूँ स्किन केयर के बारे में और स्टाइल के बारे में। हर वेंसडे को मेरी नई फैशन की वीडियो आती है और हर सैटरडे को मैं ड्रॉप करता हूँ नई स्किन केयर की वीडियो। अगर आपको इन दोनों चीजों में है इंटरेस्ट, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आज की वीडियो में मैं ऐसी सात गलतियों के बारे में बताऊंगा जो मैंने पास में की हुई है एंड रोजाना मैं देखता हूँ जब भी मैं किसी फॉर्मल ओकेजन पे जाता हूँ लोग करते हैं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग कि फैशन में कोई भी रूल्स नहीं होते, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जब भी आपको क्लासी या सोफिस्टिकेटेड दिखना है, बिकॉज सूट जो है वो कई तरीके से पहने जा सकते हैं, बहुत ज्यादा कैजुअल वेट में भी पहने जा सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जब आपको क्लासी दिखना है, फॉर्मल दिखना है, सोफिस्टिकेटेड दिखना है, तब कुछ रूल्स होते हैं सूट्स के बारे में जो आपको फॉलो करने चाहिए। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे कॉमन गलती जब हम लोग अपना पॉकेट स्क्वायर जो है अपनी टाई के साथ मैच करते हैं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। आई नो यूजली आप मार्केट में जाते हो पॉकेट स्क्वायर खरीदने के लिए या फिर टाई खरीदने के लिए, आपको उसका सेट मिल जाता है एंड दैट इज रियली पथेटिक, बहुत ज्यादा पचकाना लगता है। बिकॉज वेल पॉलिश जेंटलमैन जो होता है ना, जिसको सूट की फॉर्मल ओकेजन की नॉलेज होती है, वो कभी भी अपना पॉकेट स्क्वायर जो होता है ना टाई के साथ मैच नहीं करता। आप अपना पॉकेट स्क्वायर मैच करते हो अपनी शर्ट के साथ, या फिर अगर आपने टर्टल नेक पहनी है, स्वेटर पहना हुआ है, ऑन दैट थोड़ी सी स्मार्ट कैजुअल लुक के लिए इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू इफ यू वॉन्ट टू वेयर अ पॉकेट स्क्वायर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, करंटली आई एम नॉट वेयरिंग अ पॉकेट स्क्वायर, बट इफ आई हैड टू वेयर अ पॉकेट स्क्वायर आई विल मैच दैट विद माई टर्टल नेक। सो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि आगे जाके आप कभी भी टाई को पॉकेट स्क्वायर के साथ मैच नहीं करोगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूं वो ये होती है कि लोगों ने सॉक्स बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं पहनी होती। बहुत बार ऐसे होता है मैं किसी जेंटलमैन को देखता हूं जिसने बहुत अच्छी क्वालिटी का सूट पहना हुआ है, एंड देन आई लुक डाउन एंड आई सी कि सॉक्स, इन्होंने स्पोर्ट सॉक्स पहनी हुई है, बहुत ज्यादा बुरी लगती है। मेरे फ्रेंड, आपको चाहिए कि आप मिड काफ सॉक्स पहनो जिससे आपका एंकल जो है वो बिल्कुल भी एक्सपोज ना हो। जब आप बैठते हो आपका एंकल एक्सपोज होता है, वो बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब आपका एंकल एक्सपोज होता है एंड आपने स्पोर्ट सॉक्स पहनी होती है। यू नीड टू वेयर अ वेल गुड क्वालिटी सॉक्स जो आपके पैंट्स के कलर के साथ मैच हो रही है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम यूजली करते हैं इंडियन मैन जब हम रेडीमेड सूट्स बाय करते हैं, रेडीमेड सूट जो होते हैं ना वो कभी भी किसी भी लड़के को वेल फिटिंग नहीं आएंगे। क्या पता आपको शोल्डर से एंड चेस्ट से वी टेपर से आपको फिटिंग अच्छी है उसकी, बट स्लीव लेंथ उसकी ज्यादा हो सकती है। सो इसीलिए आई विल रेकमेंड कि अच्छा सा कपड़ा बाय करके आप प्लीज उसको स्टिच करवाइए एंड कुछ चीजों का ध्यान रखिए, स्लीव लेंथ का ध्यान रखिए सो दैट की क्वार्टर एंड स्लीव जो है वो कम हो, सो दैट की आपका जो कफ है, शर्ट का कफ है, वो विजिबल हो। दूसरी चीज, सूट जैकेट की लेंथ का ध्यान रखिए, वो ना ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए ना ही ज्यादा वो लंबी होनी चाहिए। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मिड सेक्शन होता है ना सूट जैकेट का, उसकी प्लीज फिटिंग करवाइए। बहुत बार मैंने देखा हुआ है फिटिंग उसकी नहीं ढंग से हुई होती है, बहुत ज्यादा बॉक्सी लगती है। बिकॉज हमारे दिमाग में होता है जब हमने बैठना है तो वो टाइट ना हो जाए। जब भी आप बैठते हो आपको हमेशा अपने सूट जैकेट के बटन्स खोलने चाहिए फॉर कंफर्ट। देन लास्ट में आई विल रिकमेंड कि अपनी पैंट्स की लेंथ रखवाइए नो ब्रेक के साथ, बिकॉज नो ब्रेक जो है वो यूजली हर किसी आर्टिकल के साथ, फुटवेयर आर्टिकल के साथ चली जाती है। सो इन चीजों का डेफिनेटली आप लोग ध्यान रखिए। चौथी सबसे बड़ी गलती जब हम एक्सेसरीज ढंग की नहीं पहनते, एक्सेसरीज या तो कई लड़के बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे या तो फिर वो बहुत ज्यादा फ्लैशी पहनेंगे जो आउटफिट के साथ उनकी क्लैश कर रही है। आपको समझना चाहिए कि आपकी जो आउटफिट है ना सूट वाली वो सोफिस्टिकेटेड है, वैसे ही जो आपकी एक्सेसरीज होनी चाहिए वो सटल मिनिमल सी होनी चाहिए जो आपकी आउटफिट को जो है कॉम्प्लीमेंट करे, वो इतना ज्यादा स्टैंड आउट ना करे। आई वुड से 3 एक्सेसरीज आर मैक्सिमम। आप वॉच पहन सकते हैं अगर आपने शर्ट पहनी हुई है उसके साथ टाई लगाई हुई है, आप टाई बार पहन सकते हो, और थर्ड एक्सेसरी आई वुड से गो फॉर अ पॉकेट स्क्वायर। आई थिंक दीज एक्सेसरीज आर द मैक्सिमम। इसके ऊपर ज्यादा एक्सेसरीज जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ब्रॉच भी लगा लिया आपने, कॉलर पिन भी लगा ली, इतनी ज्यादा आपको चीजें की जरूरत नहीं होती। कीप इट मिनिमल एंड कीप इट रियली लुकिंग शार्प।
नंबर 5 टाइंग फैंसी नॉट्स। फैंसी नॉट्स जैसे ट्रिनिटी नॉट हो गया या एल्ड्रिज नॉट्स हो गया, ये थोड़े से टैकी लगते हैं, पचकाने लगते हैं, सोफिस्टिकेटेड क्लासिक बिल्कुल भी नहीं लगते। सो आई वुड रिकमेंड जब भी आप किसी फॉर्मल ओकेजन पे होना, प्लीज कीप इट मिनिमल, प्लीज कीप इट ऑन द सोफिस्टिकेटेड साइड, जिसमें आपने विंजर या हाफ विंजर नॉट्स बांधा हुआ है, वो सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, क्लासी लगते हैं, टाइमलेस लगते हैं, बिकॉज हर बार आपको कुछ अतरंगा करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें कन्वेंशनली अच्छी लगती हैं एंड क्लासी ओकेजन में आई विल हाईली रिकमेंड कि ऐसे नॉट्स को प्लीज अवॉइड कीजिए। नंबर 6, जब आप अपने सूट का लास्ट बटन बंद करते हो, ये बहुत ज्यादा कॉमन गलती मैंने पास में की हुई है एंड अभी मैं बहुत ज्यादा कॉमनली देखता हूँ इंडियन मेन को करते हुए। कभी भी अपने सूट का लास्ट बटन बंद नहीं करते हो। अगर दो बटन हैं, लास्ट वाला बटन आप नहीं बंद करोगे। अगर तीन बटन हैं, देन दो बटन ऊपर वाले वो आप बंद कर सकते हो, लास्ट वाला बटन वो कभी भी बंद नहीं होगा किसी भी सूट जैकेट का एंड इवन ब्लेजर का भी और ओवरकोट का भी, बिकॉज उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। जब भी आप अपना लास्ट वाला बटन बंद करते हो ना, आप अपनी पैंट्स की पॉकेट को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते, अनकंफर्टेबल रहता है एंड थोड़ा सा टैकी सा लगता है, चलने में भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। सो मेक श्योर दैट कि लास्ट वाला जो बटन होता है ना, वो कभी भी आप बंद नहीं करोगे एंड दैट विल मेक यू लुक पॉलिश्ड। ऑलराइट, सो नंबर 7, जब हम बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं एक अच्छे सूट के ऊपर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक अच्छे क्वालिटी का सूट महंगा आता है। कपड़ा जो होगा वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा। टेलर अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए आपसे ज्यादा चार्ज करेगा एंड एक अच्छा सूट ओवरऑल एक्सपेंसिव होता है एंड दैट इज समथिंग जहां पे आपको इतनी ज्यादा पैसे की वरी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप अडल्ट हो ना, आपने एक पर्टिकुलर बॉडी फ्रेम रीच कर चुका है जो ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई अगर एक अच्छे सूट पे आप इन्वेस्ट करते हो ना, दैट इज गोइंग टू लास्ट यू अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो दैट्स व्हाई एक अच्छे सूट पे प्लीज कंजूसी मत किया कीजिए। सो गाइस, ये थी 7 गलतियां जो यूजली हम इंडियन मेन करते हैं सूट्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए, गिव इट अ बिग थम्स अप, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड कमेंट डाउन बिलो लेटिंग मी नो कि कौन सी और मिस्टेक्स आप यूजली देखते हो सूट्स के बारे में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।